काटे आया है। क्या कर रहे हो? मम्मा का बाल झाड़ रहे हो? कंघा से बाल झाड़ रहे हो? अच्छा, झाड़ो अच्छे से, झाड़ो अच्छे से, झाड़ो मम्मा का बाल सही करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। बाल बाल छोटी बनाओ, मम्मा का छोटी बनाओ, छोटी बनाओ, छोटी पाया। हाँ छोटी पाया। हाँ छोटी छोटी पाया पाया। हाँ छोटी पाया, छोटी पाया, छोटी बनाओ। ऐसे नहीं छोटी बनाते हैं मम्मा का, छोटी बनाओ। हाँ छोटी बनाओ, छोटी बनाओ। कैसा है बताओ, बताओ कैसा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज मैंने अपनी शुरुआत शाम से की। अभी शाम का टाइम हो रहा 6:30 और मैं अपने बेटे को देखी, ये फिंगर्स में डाल के खाने का इसको भी शौक आया है, तो मैं इसे इस तरीके से फिंगर में डाल के दी हूँ, ये भी खाएगा। अभी ये निकाल रहा है, शायद इसका मूड नहीं है अभी। क्यों निकाल रहे हो बेटा? पापा के हाँ, पानी पानी चाहिए, लीजिए पानी। पानी पी लिया आपने? हाँ पानी पी लिया। क्या है ये? ये अच्छा है। हम लोग भी बचपन में ऐसा खाते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, इस तरीके से फिंगर में डाल के। इसलिए बेटे को मैंने भी, मतलब हम लोगों ने खाया तो मैं बेटे को भी ऐसा खिलाऊंगी, इसके फिंगर में मैंने इस तरीके से डाला है और वो भी एंजॉय कर रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा बेटा आपको? अच्छा लग रहा है ना? खाया आपने? यस खाया उसने। खाओ खाओ खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ। यस, ये मेरी इस मंथ की ग्रोसरी है जो कि मैंने ग्रॉफर्स से ऑर्डर किया था। अभी कुछ दिन पहले ग्रॉफर्स पे ऑरेंज डे सेल चल रही थी, उससे हमें 100% कैशबैक मिल रहा था। मीन्स कि मैंने जितने अमाउंट का भी ग्रॉसरी परचेज किया है उस पे मेरे को 100% कैशबैक मिला, जिससे कि मैं दूसरी बार ऑर्डर कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ मेरे को इसमें बहुत अच्छी ये लगी कि हम लोग अपने कंपनी से जो सोडेक्सो या मिल्क कार्ड लेते हैं वो सिर्फ बिग बाज़ार और रिलायंस में चलती है, डीमार्ट वगैरह में नहीं चलती। तो ये ग्रॉफर्स पे भी चलेगी आपकी वो सोडेक्सो और मिल्क कार्ड, और प्राइस एज इक्वल टू डीमार्ट है, और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और तीसरी बात, हमारी टाइम बच गया बहुत ज़्यादा, जो कि वीकेंड के दिन हम लोगों को कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं अपने ग्रॉसरी, मंथली ग्रॉसरी या वीकली ग्रॉसरी के पीछे स्पेंड करना पड़ता है, 2-3 घंटे वो बच गया। आप ग्रॉफर्स का ऐप डाउनलोड करके इसके प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं डीमार्ट के साथ, जो कि इक्वल टू है डीमार्ट से। हम का आलू भुजिया मेरे को 35 रुपीज़ का पड़ा है। ग्रीन रेजिन्स मेरे को पड़ी है 70 रुपीज़ की। ये वाली बिस्किट दो थी 47 रुपीज़ की, ये MRP 90 है मगर मेरे को 70 में मिला है। और ये वाली बिस्किट की MRP है 120, मेरे को मिली है 80 रुपीज़ में।
और ये सोन पापड़ी एक पे एक फ्री थी जो कि 159 की थी। और दूध एक लीटर अमूल ताज़ा मेरे को 59 रुपीज़ का पड़ा है, तेल 125 का, ये 70 रुपीज़ की, और ये रियल एक पे एक फ्री था 109 रुपीज़ का। एक केजी 5 केजी का आटा लिया है मैंने जो कि मेरे को 130 रुपीज़ का आया है, और शक्कर 2 केजी लिया है मैंने जो कि 60 रुपीज़ का 2 केजी आया है, ये ब्लैक सॉल्ट है 15 रुपये का। और रात के डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ पालक की खिचड़ी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पालक को इस तरीके से कुकर में बॉयल कर लूँगी। फ्रेश प्याज लिया है मैंने और 6 से 7 हरी मिर्च ली थी, उसको इस तरीके से मैं हल्का ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद में इसमें इतना सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक इस तरीके से खलबट्टे में कूट के इसमें मैं डाल दूँगी। और जो मैंने और इसके अदरक लहसुन के थोड़े हल्के भुन जाने के बाद फिर जो मैंने पालक को बॉयल किया था उसको मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, और फिर अदरक लहसुन और प्याज के थोड़ा भुनने के बाद उसको मैं ऐड कर दूँगी। और इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें मटर भी ऐड करूँगी, मटर ये सब वगैरह अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद ही मैं पालक का पेस्ट ऐड करूँगी इसमें। पालक डालने के बाद इसे थोड़ा अच्छा से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने कुकर में चावल और दाल को बॉईल करके रखा था, आधी कटोरी चावल ली थी मैंने और 1 कटोरी मिक्स दाल लिया था मैंने। मिक्स दाल में मैंने मूंग दाल, अरहर की दाल और चने की दाल और मसूर की दाल ऐड की थी मैंने। उसको अच्छे से 1 सीटी लगाने के बाद इसके अच्छे से भुनने के बाद इस पेस्ट में मैं उसको खिचड़ी को ऐड कर दूँगी। तो यहीं तक की आज की ये मेरे वीडियो, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देख लेते हैं मगर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक भी दें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.